Dear students, today I discuss about the special function that done by the adventitious root. In the previous video, I have already discussed about function of adventitious root as a storage of food. Now the second point, the special function. Performed by adventitious root. At first, parasitic root in some plant and adventitious root invade a stem or branch of host plant and get nourishment through it. Such root is called parasitic root, or इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है parasitic root को house terminal root के नाम से house terminal आपको ऑस्ट्रेलियन रूट को याद करके रखना है पैरासिटिक क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली ऑस्ट्रेलियन रूट के नाम से क्वेश्चन होता है एग्जांपल में कस्कुटा यू आर वेरी फैमिलियर टू द कस्कुटा प्लांट इट इज गोल्डन थ्रेडर्स कलर प्लांट दैट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट जिसको अमर बेल के नाम से जानते हैं कस्कुटा को याद रखा है नाउ सेकेंड एसिमिलेटरी इसी को फोटोसिंथेटिक रूट भी कहते हैं जनरली रूट आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मींस दैट कैन नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस बट इन सम प्लांट रूट दैट बिकम्स क्लोरोफिलस एंड take part in photosynthesis. As for example, Tinospora. Tinospora plant के root में इस
एक्सटेंड से जो रूट निकलता है वो रूट ग्रीन हो जाएगा एंड दैट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है और टीनोस्पोरा करते जा रहे हैं, किंतु उसको हिंदी में अमृता के नाम से, और यह हमारे आस पड़ोस में आसानी से देखने को मिलता है। ये टीनोस्पोरा अमृता के नाम से या इसे गिलोई के नाम से जानते हैं और दैट आज के समय में इसका इंपोर्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। टीनोस्पोरा का इस टीनोस्पोरा के स्टेम को बॉयल करके पानी के साथ में गर्म करके इसको हाफ लीटर बना करके इसको पीने से इम्यून सिस्टम इंक्रीज करता है। तो ये टीनोस्पोरा प्लांट में रूट दैट बिकम्स फोटोसिंथेटिक एंड दैट रूट ऑल्सो कॉल्ड एसिमिलेटरी रूट एंड द सेकेंड एग्जाम्पल एज ए ट्रैप। पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है उसके रूट जो होगा वो पानी के अंदर स्विम करता रहता है और वह ग्रीन कलर होता है और वह फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, दैट टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस एंड सो सच रूट कॉल्ड एसिमिलेटरी। तो फ्रॉम एग्जांपल इट इज वेरी क्लियर कि व्हिच सम इन सम प्लांट रूट दैट इज फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस एंड दैट रूट इज कॉल्ड एसिमिलेटरी रूट। लिख सकते हो इन सम प्लांट रूट दैट बिकम ग्रीन एंड इन्वॉल्व in photosynthesis called assimilated root or photosynthetic। एग्जाम्पल को याद रखना जरूरी है। स्पेशल रूट जो है एडवेंटिशियस रूट इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपिटेटिव एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल में पहला ट्रापा जिसको सिंघाड़ा कहते हैं और सेकेंड टीनोस्पोरा आएगा एपिफाइटिक या भेलामेल के नाम से जानते हैं। तीसरा स्पेशल फंक्शन दैट परफॉर्म बाय द एडवेंटिशियस रूट एज थर्ड वेला मैन, इसको एपिफाइटिक रूट प्लांट कैसे प्लांट ऑन अदर प्लांट
only for SPS, not for nutrition, is called epiphytic root. In epiphytic plant, leave the plant that growing on other plant only for nutrition. Sorry, only for SPS, not for nutrition. इस तरह के प्लांट को इंडिफाइटिव प्लांट देयर रूट हैज इन एटमॉस्फेयर सच रूट हैज एबिलिटी to absorb moisture from atmosphere and fulfill demand of water. Let us suppose it is the branch of the other plant and it is leaf of the epiphytic plant. And roots that has in atmosphere as shown in figure. It is epiphytic plant and it is posterior root. And it is branch of plant. ये जो रूट है कर रहा है जो लड़ा रहा है हवा में इस तरह के रूप में क्षमता होती है कि वायु में उपस्थित मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब करने के और इस तरह के रूट को फैला देता है या इवेपोरेटिंग एग्जांपल को याद रखिएगा कौन सा प्लांट है तो बांडा ए टाइप ऑफ ऑर्किड प्लांट बांडा क्या है इज ए टाइप ऑफ ऑर्किड प्लांट इस तरह के प्लांट में
जो रूट है उसके पास एबिलिटी होता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का. दीज आर सम स्पेशल मॉडिफिकेशन फाउंड इन एडवेंटिशियस रूट. नाउ वी स्टार्ट स्टेम इज द सेकेंड पॉइंट. इट इज रेडिकल पार्ट. जैसे ही इसे जर्मिनेट करेगा तो पहले क्या होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल व्हाइट स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे रेडिकल. और उसके बाद जो निकलता है वो सूट पार्ट यानी प्लीम्यूल पार्ट. एंड इट इज द रेडिकल. तो ऐसे और देख लेते हैं कोटिलीजन लाइट निगेटिव जियोट्रॉपिक यानी स्वयं ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. Support to
एरियल पार्ट ऑफ प्लम अगर ये स्टेम है और ये नोट का है दो नोट के बीच वाला डिस्टेंस पर हम लोग क्या कहेंगे इंटर नोट क्या कहेंगे इंटर ये अलग लिंक है Place where the lymph get attached to the stem is called the and the structure that found at the base of the lymph is called axillary axillary bud ये एक्सिलरी वर्ड आगे चल के क्या बनाएगा ब्रांच और फ्लावर दैट मॉडिफाइड इनटू फ्लावर अब स्टेम हो सकता है हर्बेशियस विदाउट रूट श्रब और ट्री स्टेम इफ हैज गुड एंड हैज कमर्शियल वैल्यू देन सच स्टेम कंटेनिंग प्लांट या हैविंग प्लांट इज कॉल्ड ट्री देखते हैं स्टेम मे बी सॉफ्ट As in climber, plant, or woody, as in tree. अब branching हो सकता है. यूनिकैसियल अगर एक नोड से हर नोड से एक ही ब्रांच डेवलप हो तो ऐसे ब्रांचिंग को यूनिकैसियल दो ब्रांचिंग डेवलप हो एक नोड से बाइकैसियल और एक नोड से दो से ज्यादा ब्रांचिंग डेवलप हो तो पॉलीकैसियल कहते हैं जैसे तुलसी में ऑशिमा टू ब्रांच are developed from each node called bicassia. Similar in guava, true branching generally takes place at each node and such branching is called bicassia. फंक्शन ऑफ ब्रांच स्टेम है फंक्शन ऑफ स्टेम इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू different part of plant it also involves in photosynthesis
These are some functions of the STM. In addition to it, in some plant, STM gets modified or changed into other structure that performing some special function. In some plant, stem or branch get modified into other structure and perform various other functions. Reproduction and some other special function as first. Which plant will stem that get changed into other structure and that for forming some other various function, for example storage of food, mechanical support, reproduction and some other special function. तो इसमें से चलते हैं, पहला देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर. Storage of food. Stem get modified into fleshy structure and store for future use as first tuberous potato is the best example of tuberous. How can we identify it is either root or stem? Any part that found inside the ground is always not a root. So how can we identify that the underground part is either root or stem? So by some characteristic feature as axillary bud, dekha hoga ki aalu mein kahin kahin eye bud. यानी आँखियाँ जिसको हम लोग कहते हैं जो आगे चलकर सूट का निर्माण करता है यानी एरियल पार्ट का वो प्रेजेंट है.
That means it is stem, it is modified stem. Root वाले part में auxiliary word नहीं मिलता है. The potato क्या है? It is modified stem. Stem get changed into fleshy, comma, swollen, and has no feet. क्या चीज? Shape and size. आलू का कोई shape और size नहीं होता है. वो vary करता है, different होता है. Shape and size. Called tuber. Example में potato. वैसे botanical है Solanum tuberosum. तो आप देख सकते हैं ये रहा stem और नीचे वाला part root और ठीक बेस के पास स्टेम के जहां तना है उसके जो सॉइल के पार्ट सॉइल के अंडरग्राउंड है वहीं से एक मॉडिफिकेशन है और वो क्या कर दिया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया आपको पता है ये एक्चुअली में क्या है पोटैटो तो इस तरह के मॉडिफाइड स्टेम को हम लोग ट्यूबरस बोलते हैं Now, second. इस तरह देख रहे हैं कि कुछ पौधे ने स्टेम क्या कर दिया मॉडिफाइड कर दिया फ्लैशी स्ट्रक्चर और मेजर फूड मटेरियल की तरह काम करने लगा है नाउ द सेकंड राइजोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है पोटैटो तो जनरल कंपटीशन में पूछता है किंतु राइजोम शक्कर ऑफसेट एस्टोलेन रनर ये सब स्टेम का कुछ मॉडिफिकेशन है तो चलते हैं राइजोम के ऊपर राइजोम से स्टार्ट करने से पहले हम लोग डायग्राम पर ध्यान दें जिंगल अदरक को पहले दिमाग में रखना है कि अदरक कैसा होता है तो जिंगर का कुछ स्ट्रक्चर अदरक का इस तरह है और यहां पर क्लियर कट है नोड है इंटरनोड प्रेजेंट है और एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट है इट मींस इट इज मॉडिफाइड स्टेम और इसमें एक पॉइंट को ध्यान रखना है इट ग्रो इनसाइड सॉइल हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली ग्रोथ नहीं करता है हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है तो लिखते हैं इट इज modified stem has distinct catchy node comma internode comma scale and एक्सिलरी वर्ड ये क्या हो गया नोड ये क्या है नोड और दो नोड के बीच वाला डिस्टेंस को क्या कहते हैं इंटर इंटर तो इट इज मॉडिफाइड स्टेम हैज distinct node comma internode scale and axillary bud
helping to grow. Inside, inside soil, for intention. दूसरा सी सत्र ये रहा पैरेंटुलम ये रहा पैरेंटुलम और ये रहा नेचर रूट द सम पार्ट ऑफ द ब्रांच of the stem that also found below soil from the base of the parent plant a horizontal branch, lateral branch develops firstly horizontally then obliquely tera ho jayega upar ki taraf and that comes above the soil and forming a new plant. It is called sakkar. And ye ho gaya parent plant. Iske example ko yaad rakhna hai. Pehla yaad kar lena hai milk root. Example. Aur dusra एस्ट्रोबेर ये दो को याद करते हैं सत्तर तो लिख रहे हैं सत्तर में क्या की द लेटरल ब्रांच lateral branch develops from the base of the parent plant. Lateral branch develops from base of parent plant. Below soil and firstly grow horizontally and then obliquely and finally comes above the ground. Above the ground. और अंत में ground से ऊपर आ जाए. Such a structure is called sakkar.
Now, all these are the underground modification of the stone. ये सारा part इसके अंतर्गत the under. एक और add कर सकते हैं C के बाद ही corn. स्टेन कैसा हो, फ्लेसी हो गया है, गुदेदार हो गया है, स्वेल कर गया हो और नोट इंटर नोट क्लियर हो, एक्सिलरी बर्ड परमानेंट हो गया हो, यह हो गया एक्सिलरी बर्ड. जैसे एम और फोफेलस बोल को देखा होगा या कैलोकेसिया कांदा, उसमें आपको इस तरह का स्टेम दैट गेट मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विथ डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटर नोड एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट, सच मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज कॉल्ड कॉर्न. स्टेम that get modified into fleshy comma cylindrical comma distinct node and inter node with axillary bud present. Full stop. It grow below soil. Vertically example Amorphophallus इसको बोल कहते हैं. Second Calocasia कांदा, ये कॉल के अंतर्गत ऑल दीज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम दैट कम्स अंडर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. लास्ट पॉइंट नीचे में लिख देते हैं ऑल दीज मॉडिफाइड the structure of a stem comes under underground modification of a stem. All these are classified on the basis of historical food. Now, second point on modification of a stem on the basis of historical food as subaerial modification. तो अब दूसरा ग्रुप बना रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन मॉडिफिकेशन से ही क्वेश्चन रहता है इसलिए मॉडिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है. Now the second
सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी ग्राउंड के सटा हुआ कुछ पार्ट स्टेप जमीन के नीचे और कुछ पार्ट हवा में, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम को सबेरियल ग्रुप में डाला जाता है। चलिए देखते हैं, इसका पार्ट रनर, ये रहा नोड, और जहां नोड है उसी नोड के पास में एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो गया, जैसा कि ग्रास में देखने को मिलता है, और ये इसका लीफ हो गया। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट ग्रो जस्ट अबव द सॉइल हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रनर। ये तो हो गया रूट, किस तरह का रूट, एडवेंटिशियस रूट, वो भी एडवेंटिशियस में कौन सा है, फाइबरस रूट। रूट को सीधे एक ही बार लिख देते हैं फाइबरस रूट। कहां पर, तो नोड के पास, और ये स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहेंगे, रनर कहेंगे। तो एग्जांपल में ग्रास और दूसरा ऑक्सीजन को याद रखना, ग्रास और ऑक्सीजन में इस तरह का मिलेगा। नाउ सेकेंड एस्टोलेन, ये रहा पेरेंट प्लांट, ठीक पेरेंट प्लांट के बेस के पास से लेटर ब्रांच डेवलप हुआ, दैट ग्रो ऑब्लिकली एंड कम्स अबव द सॉइल, टर्न ब्रेन डाउन एंड टच इट टू द ग्राउंड। और कैसा बना है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर टच किया ग्राउंड के पास वहां से क्या करेगा, रूट डेवलप कर देगा। जैसे रूट डेवलप होगा वहां से फिर सूट भी डेवलप होगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। जो ये कर्व स्ट्रक्चर है इसी को एस्ट्रोलेट कहते हैं। किसमें मिलता है, एग्जाम्पल में नोट करके रख लेना है, जैस्मिन, और क्राइसेंथेमम गुलदाबी, एग्जाम्पल को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड ऑफसेट, ये कई बार हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफसेट, तो इसको याद करना है कि वाटर हाइसिंथ जलकुंभी जो होता है उसको वाटर हाइसिंथ, दूसरा नाम उसका एक और दिया है जिसको मोर कॉमनली केरल और बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो ऑफसेट स्ट्रक्चर के कहां मिलेगा ये प्लांट, तो एक्वेटिक मीडियम में, स्टेम इज सॉलिड सिलिंड्रिकल बट एट द नोड हैज रोजलेट ऑफ लीफ, यानी लीफ बंच में और गुलाब के फूल की तरह यहां पर अरेंजमेंट हो जाता है।
ये एक लीफ हुआ, यहां बेस जो मटेरियल स्वेल बन जाता है, दैट प्रोवाइड वाइल्ड सी। ये दूसरा नोड के पास फिर ये तो लीफ का ऊपर वाला लैमिना पार्ट पेटियोल स्वेल कर गया, ये सेकेंड लीफ थर्ड लीफ और जहां नोड है वहां से एडवेंटिशियस रूट डेवलप। इस तरह के स्ट्रक्चर को ऑफसेट दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। एग्जांपल में पहला कॉर्निया, इसी को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, और दूसरा पिस्टिया, एरियल मॉडिफिकेशन। नाउ द सी जब तना या शाखा वायवीय पार्ट में हवा वाला जो भाग है अबव द ग्राउंड दैट चेंज इनटू अदर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग अदर फंक्शन, सच मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेम इज कॉल्ड एरियल मॉडिफिकेशन। जैसे पहला फर्स्ट टेंड्री, देखा होगा खास करके वाटर मेलन यानी तरबूज गार्ड कद्दू, इसमें धागा नुमा एक स्ट्रक्चर जो बाद में चलकर स्क्रीन लाइक चेंज हो जाए घुमावदार, वह जो स्ट्रक्चर है उसको टेंड्री कहते हैं। इसका किसमें मिलता है तो वुडिंग प्लांट में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा क्रीपिंग क्लाइंबिंग जो लेकर चलने वाला है जिसको सपोर्टिव सपोर्ट के लिए मेनली ये फंक्शन इसका टेंडिल है मैकेनिकल सपोर्ट सहारा प्रदान करने के लिए। देखो ये रहा स्टेम और जहां से लीफ जुटा हुआ उसको हम क्या बोल रहे नोड बोल दिए, और ठीक एक्सिलरी बर्ड जो था यही स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। ये जो स्ट्रक्चर लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम टेंड्रिल कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड और ब्रांच दैट गेट चेंज इनटू स्प्रिंग लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड टेंड्रिल। In some plant, axillary bud that change into thread, comma. Spring like structure called
The main function of it as provide mechanical support. कैसे प्रदान करेंगे फॉर क्लाइंबिंग एंड क्रीपिंग क्लाइंबिंग और क्रीपिंग प्लांट एग्जांपल में बीटल गार्ड करेरा में देखने को मिलेगा तीसरा गार्ड इस तरह के प्लांट में टेंडिल जो है वो एक्चुअली में एक्सिलरी पार्ट का मॉडिफाइड है नाउ सेकेंड थर्ड नाम सुना होगा बोगेनविलिया प्लांट या सबसे मोर कॉमन है लेमन नींबू के पौधे में जहां पर लीफ अटैच है ठीक उसके एक्सिलरी पॉइंट में द पॉइंट वेयर द लीफ गेट अटैच कॉल्ड नोड वेयर हैज ए उडी नीडी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ए स्पाइन कॉल्ड थंब ये रहा ब्रांच ये रहा नोड और यहां से लेमन का लीफ और यहीं पर एक कूडी स्पाइन मिलेगा बेस के पास ये जो स्ट्रक्चर है इसी को क्या कहोगे और इन सम प्लांट Axillary bud modify into woody is called thorn. The main function of it to protect the plant from the grazing animal. This example mein lemon and the second bougainvillea. अब थर्ड में चलते हैं फाइलोक्लेड ऑफ द फाइलोक्लेड द स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू फ्लैसिड फ्लैटेंड और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विथ रिड्यूस लीव्स एज ए स्पाइन called phylloclad. As example में Opuntia, ये रहा cacti plant.
specified. Leave that get change into specified. अब जो ये स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे फाइलर प्लेट डिपेंड द स्टेप बिकम्स फ्लैशी फ्रॉम अ ग्रीन फ्रॉम अ आइदर फ्लैटेड के लिए एग्जाम्पल रख लेना यार अपोसिया और सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल किसमें यूफोरिया देकर के जवाब आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.